हेलो जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप तो खैरियत से होंगे। सुबह के बज गए हैं 7 और शुरुआत हो गई है मेरे दिन के आगाज़ की। सबसे पहले हस्बैंड के लिए अब नाश्ता बनेगा, जो कि सुबह का बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, सुबह उठते ही नाश्ता बनाना। तो नाश्ता बना के आप लोगों से मिलते हैं, और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वो पूरी वीडियो वॉच किया करें प्लीज़, और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किया करें। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? A few moments later. हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, मेरी ड्यूटी सुबह की ख़त्म हुई। अब बज चुके हैं 9:15, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के आपसे मिलते हैं, फिर आपसे सारे दिन की रूटीन शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर। hours later. Hello जी व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून अगेन। मेरी सुबह हो चुकी है, दिन के बजे हैं 2। अब आज की मैं दिन की सारी रूटीन शेयर करूंगी, क्या क्या मैं करने लगी हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं ये कौन है, ये मेरे हस्बैंड हैं। जब ये 17-18 साल के हुआ करते थे, ये तब की उनकी पिक्चर है। तो जी व्यूअर्स, आज की मैं सारे दिन की रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, नाश्ता बना के फिर आपसे मिलते हैं। फिर मैंने नाश्ता बना लिया है, चलिए मैं आपको अपना नाश्ता दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये पराठा, दाल और ये चाय है। चलें बिस्मिल्लाह करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हमने सारे काम कर लिए हैं अपने किचन की, सारी क्लीनिंग कर ली है, देख सकते हैं आप, सारी क्लीनिंग कर ली है। ये मैंने कबाब का मसाला चढ़ाया है, इसकी रेसिपीज में शेयर करना भूल गई आप लोगों से। इसमें मैंने डाला है 1/2 किलो गोश्त, 1/2 किलो से बहुत ही कम, चने की दाल, गरम मसाला, गोल मिर्च, ज़ीरा, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये जैसे ही बन जाएगा तो इसकी फूड रेसिपीज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारी बेडशीट सही कर ली थी, अब मैंने करने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस, शर्टें प्रेस करनी है उनकी। अब मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन सी शर्टें प्रेस कर रही हूँ। मैंने निकाल रही हैं हस्बैंड की शर्टें, ये ब्लू और ये ऑफ वाइट कलर की, ये प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हैंगर निकाल रही हैं, दूसरे रूम में मैं कपड़े प्रेस करती हूँ अपने ससुर के कमरे में। ये मेरे ससुर का कमरा है, आपको दिखाती हूँ मैं लाइट ऑन करके। ये मेरे ससुर का कमरा है, उनकी बैठक है। ये स्त्री का कपड़ा मैं सेट करके फिर स्त्री करके आपसे मिलते हैं। बस ये मैंने कपड़े प्रेस कर दिए हैं अपने हस्बैंड के, शर्टें सुबह ऑफिस के लिए होती हैं उनके, इसे हम यहाँ हैंग कर देते हैं। यहाँ हैंग कर देती हूँ उसे, अब मैं देखती हूँ ये कबाब का मसाला कहाँ तक पहुँचा, अभी थोड़ा टाइम है। फाइनली मेरे सारे काम हो गए हैं, सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं, खाना मैंने चढ़ा दिया, कबाब का मसाला चढ़ा हुआ है, वो जैसे बन जाएगा तो उसकी फूड रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस करके मैंने हैंग कर दिए हैं, अब तो
मुझे फ्रेश होना है, फ्रेश होके शाम में मिलते हैं। One hour later. Guys, good evening. शाम के 6:30 और मैं हो गई हूँ फ्रेश। अब मेरे हॉकी हस्बैंड के आने का टाइम। मौसम आज का बहुत अच्छा हो रहा है। बस मेरे हस्बैंड आने ही वाले हैं, 6:30 हो गए हैं, बस आते ही होंगे। मैंने सारे काम वाम कर लिए थे अपने, बस अब मुझे कबाब बनाने रह गया है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तैयार हो चुका है, फिर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से दाल और गोश्त दोनों गल गए हैं। ये हरी मिर्च, पुदीना और धनिया बारीक काट के मैंने रख दिया था, और ये बारीक प्याज कटी हुई 2 अदद स्मॉल साइज़ की। अब मैं चॉपर निकाल लेती हूँ अपना। ये मेरे बर्तन सारे सेट हुए हुए, ये चॉपर है, इसमें कबाब मसाला कीमा वगैरह चॉप करते हैं। डस्ट लगी हुई है इसमें, इसको मैं वॉश कर देती हूँ। मैंने चॉपर वॉश कर लिया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम ये दाल गोश्त डालते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं। ये मैंने सारा डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको फिक्स करके चॉप कर लेते हैं। डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कबाब का मसाला मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसकी बनाऊंगी मैं टिकिया, फिर से फ्राई करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, मैंने कबाब बना के रख दिए हैं इसकी टिकिया। अब मैं इसको सिर्फ फ्राई करूंगी, साथ आटा भी मैंने गुन के रख लिया था। इसकी रोटियां बनेंगी। अभी बज रहे हैं 8:30 तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। A few moments later. जी व्यूअर्स, हमने खाना वाना खा लिया है, चाय पी ली है और बर्तन वगैरह सब धो के रख लिए हैं। मेरा काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। जितनी भी आज की मेरी सुबह से लेकर दिन से लेकर शाम शाम से लेकर रात तक की जो भी रूटीन थी, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।